देखिए, केंद्र सरकार से तो जो हमारा निचले का तबका है बहुत ही खुश है। देखिए, महंगाई का जहाँ तक टमाटर की लोग बात करते हैं, को लेकर क्या कर रहे हैं? नौकरी के लिए सरकार दे रहे हैं नौकरी, लेकिन नौकरी में वैकेंसी कम आ रही है। की सरकार का जानवरों पर नियंत्रण रखेगी तो भाजपा की सरकार बनेगी? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, काहे की बनेगी? महंगाई को लेकर? महंगाई कुछ नहीं है, क्या भ्रष्ट है, पुलिस प्रशासन नकारा हो गया है, यही नहीं जान पा रहे हैं कि जो नीचे के अधिकारी हैं वो सब मतलब कोई काम नहीं कर रहे। जैसे आप चले जाइए, अभी आप इसी रोड पे जाइए, कम से कम 100 जानवर आपको मिलेंगे। बाबा आए काली गाड़ी में चले गए, विधायक जो आए काली गाड़ी में शीशा लगाए चले गए। अगर हमारा कोई ब्राह्मण बिरादरी अगर एक छप्पर भी रखा उसमें ग्राम सभा में तो उसको उतार दे रहे हैं। भाजपा को तब भी हम लोग वोट दे रहे हैं मजबूरी में। भारत के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज सुल्तानपुर जनपद के दक्षिणी छोर पर हम मौजूद हैं। देखा जाए तो करीब लोकसभा चुनाव के 4.5 साल कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ नजर डाली जाए तो दो दो बार से भाजपा के सांसद हैं। वर्तमान में भाजपा सांसद माताजी मेनका संजय गांधी जी हैं। इसके पहले इनके पुत्र वरुण गांधी जी थे। यहाँ पे वोटरों की संख्या करीब 18 लाख है। पिछला जो कार्यकाल रहा है बड़े कांटे की टक्कर में माताजी की जीत हुई है। तब से जिले में महीने में कम से कम 2 से 3 बार वो दिल्ली से आती हैं और दो दो तीन तीन दिन का उनका तीन दिवसीय दौरा रहता है। हाँ, कहीं चौपाल लगाती है, कहीं समस्या सुनती है, तो कहीं किसी योजना का उद्घाटन करती है, शिलान्यास करती है। लेकिन अब जो चुनाव है 6.5 माह शेष बचा है, इसको लेकर के यहाँ प्रतापगंज बाजार में हम मौजूद हैं और एक चर्चित दुकान है जहाँ पे यहाँ बहुत से ऐसे लोग सुबह से लेकर दिन भर स्थानीय लोग मौजूद रहते हैं। तो आइए कुछ ऐसे लोगों से जानकारी करते हैं कि क्या स्थिति है इस बार, आगे आम जनता का क्या सर्वे है उसको जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या रुझान। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? अजीत साहब पाठक। चुनाव का क्या रहेगा क्योंकि केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार है, हम आपको दे क्या रही है? देखिए, केंद्र सरकार से तो जो हमारा निचले का तबका है बहुत ही खुश है क्योंकि उसके लिए सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो क्या कहते हैं कि राशन हो, किसान सम्मान हो, आयुष्मान हो, मतलब आप ये समझिए कि जितनी भी आवश्यक जरूरतें हैं आम गरीब लोगों की, उन सब जरूरतों की पूर्ति जो है भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी की सरकार कर रही है। ये बात तो आप कह रहे हैं, बात सही है, लेकिन ये बताइए कि केंद्र सरकार की योजना उज्ज्वला योजना है, सब्जी की महंगाई है, 400 का सिलेंडर 1200 में है, आप कह रहे हैं पूरी जनता खुश है। देखिए, महंगाई का जहाँ तक टमाटर की लोग बात करते हैं, जब सीजन बदलती है, एकदम से बरसात हुई, स्वाभाविक से आप जब भी सीजन में परिवर्तन होगा तो जींसों के दामों में ऑटोमेटिक परिवर्तन होता है, वो अस्थायी नहीं होता है। अब नई सब्जी आ रही है मार्केट में, सब्जियों के दाम गिर जाएंगे। तो ये आप युवा हैं, बता रहे हैं कि भाजपा सरकार बहुत कुछ कर रही है, बढ़िया कर रही है, नौकरी को लेकर क्या कर रही है? नौकरी के लिए सरकार दे रहे हैं नौकरी, लेकिन नौकरी में वैकेंसी कम आ रही है हमारे यहाँ, सरकार दे रही है जो कुछ। और हमारे यहाँ के किसान जो है जानवरों से परेशान है ज्यादातर, जानवरों पर जो है नियंत्रण होना चाहिए। और बाकी सरकार ठीक चल रही है फिलहाल मौजूदा हालत में, लेकिन सबसे बड़ी किसानों की यही दुर्भाग्य है जो जानवरों पर नियंत्रण होना चाहिए। महंगाई को लेकर क्या? महंगाई को लेकर, महंगाई समय के आधार पर जब मजदूरी बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। हमारे यहाँ मजदूरी 200 रुपए थी, इस समय 4.5 रुपए होगी, तो महंगाई अगर बढ़ गई दिक्कत क्या होगा इसमें? छुट्टा जानवर खुले आम घूम रहे हैं, दिक्कत यही है, सारी फसलें चर जा रहे हैं, तो क्या इस बार भी भाजपा की सरकार बने? नहीं, भाजपा की सरकार का जानवरों पर नियंत्रण रखेगी तो भाजपा की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी, नहीं रखेगी तो पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बनेगी। और किसकी सरकार बनाएंगे आप? भारत की जो राजनीति है इस समय वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में भविष्य देख रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में भविष्य देख रहे हैं। रही बात जन समस्याओं की, तमाम जन समस्याएं आती हैं, उनका निराकरण भी होता रहता है। मौजूदा समय में जो आज की स्थिति है, अगर देखा जाए तो केवल एक ही जन समस्या दिखाई पड़ती है उत्तर प्रदेश में, और चाहे जिससे पूछा जाएगा तो वो जन समस्या थोड़ा सा विकराल रूप ले रखी है, और विकराल रूप नहीं ले ली,
सुख रखी है केवल शासन प्रशासन के जो उससे ब्यूरोक्रेट है या जो कार्य कर्मचारी है उनके द्वारा वो क्रियान्वयन धरातल पर नहीं हो पा रहा है। केवल छुटका जानवर के अलावा महंगाई क्षणिक होती है, अस्थायी है, चीजें हैं, एक कभी महंगा हो जाता है कोई चीज, कभी सस्ता हो जाता है, वो चलता रहता है। लेकिन छुट्टा जानवर एक ऐसी समस्या है लोगों में जो जन धरातल पर है, जिसके बारे में प्रधान सेक्रेटरी जो तमाम आदेश भी जारी हुए हैं और हम लोगों को दिखाए जाते हैं ये आदेश हुए। आप गो आश्रय स्थल देखे हैं कितने जानवर मर जा रहे हैं वहाँ? गो आश्रय स्थल में भी अभी तमाम कार्यों की आवश्यकता है, चूंकि नए नए खुले थे और नए खुले होने के कारण उनकी जो व्यवस्था करनी चाहिए थी अभी वो व्यवस्था धरातल पर सही ढंग से नहीं थी। आप बात करते हैं कि भाजपा सरकार अच्छी है, सारी चीजें, मणिपुर आज तक नहीं गए पीएम मोदी। मणिपुर देखिए, यह चीजें जो है यह चीजें भारतीय जनता पार्टी की चीज नहीं है, ये समाज की चीज है। समाज जहाँ भी दो पक्षों में विघटित रहता है या दो पक्षों में जहाँ समाज में तनाव बढ़ जाते हैं वहां पर इन परिणतियों को भुगतना पड़ता है समाज को, और उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, ना उसमें राजनीति आनी चाहिए। सुना जा रहा है इस बार टिकट टुकट को लेकर भी काफी वो रहेगा, तो क्या माताजी लड़ेंगी तभी टिकट वोट दिया जाएगा या क्या? हम देखिए माताजी का जो जहां तक सवाल है, माताजी का जो क्षेत्रीय दौरा है, जो उनका आवागमन है, जो जनता के बीच उनका जुड़ाव है, उसका कोई जोड़ नहीं। वो महीने में दो बार जो उनका सुल्तानपुर आना सांसद के रूप में, वो काबिले तारीफ है। लेकिन रही बात ही माताजी का विषय तो अलग है, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी के रूप में मोदी जी का नेतृत्व आम जनमानस देख रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। क्या इस बार सरकार कैसे बनेगी? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। काहे की बनेगी? महंगाई को लेकर? महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई होना चाहिए। जैसे गेहूं धान डाई 1200 रुपया में है और खाद महंगा है, डीजल भी पेट्रोल भी महंगा है, तो महंगाई नहीं वो किसान कहाँ से करेगा। केवल गवर्नमेंट की नाकामी एक ही है, ये छुट्टा जानवर जो भी मतलब फसल है सब चल ले रहे हैं, इसलिए चाहे इसको ग्राम सभा प्रधान में कर दे या वीडियो अधिकारी भ्रष्ट है इस सरकार, मतलब छुट्टा जानवरों को लेकर सख्त होने की। हाँ हाँ, अधिकारी भ्रष्ट है, पुलिस प्रशासन नकारा हो गया है, किसी भी चीज को लेकर यहाँ कोई मतलब नहीं। आप अधिकारी को भ्रष्ट कह रहे हैं? योगी सरकार कहते हैं जीरो टॉलरेंस पे हम काम कर रहे हैं, कहीं भ्रष्ट? योगी बाबा तो यही नहीं जान पा रहे हैं कि ये नीचे के अधिकारी हैं वो सब मतलब कोई काम नहीं कर रहे। जैसे आप चले जाइए अभी, आप इसी रोड पे जाइए, कम से कम 100 जानवर आपको मिलेंगे, जो गेहूं बोया है, धान बोया है, मतलब चरी बोई है, सब खा ले रहे हैं, तो कहाँ से किसान का दुगना होगा? जब खेत में रहेगा ही नहीं तो दुगना कहाँ से होगा? बाबा तो आते हैं अधिकारी कमर बिछा देते हैं, जिला अधिकारी जो है एसी से नीचे उतरते ही नहीं है। आप चले जाइए ब्लॉक पर, जितना भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, कोई अधिकारी आ रहा है कोई पशु पकड़ रहा है, बताइए आप। तो जब तक समस्या नहीं दूर होगी, बाबा आए काली गाड़ी में चले गए, विधायक जो आए काली गाड़ी में शीशा लगाए चले गए, जब तक समस्या जो है निदान होना चाहिए। सब हम लोग भाजपा के वोटर है लेकिन हम सब परेशान है, हम सब भाजपा की वोटर है लेकिन हम लोग परेशान है, इसलिए कि जब तक इसका निराकरण नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा, बताइए। लेकिन लोग ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, सरकार जो है कहते हैं हम लोगों को वोट तो लेते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई ब्राह्मण बिरादरी अगर एक छप्पर भी रखा है उसमें ग्राम सभा में तो उसको उतार दे रहे हैं, और दूसरी जात बिरादरी नहीं कर रहे, ऐसी को आरक्षण मिल गया है, हम लोग वोट भाजपा देते हैं और उत्पीड़न हमारा सब तो हो रहा ब्राह्मण समाज का। अरे भाई इसको कहाँ भूल रहे हैं, जैसे महंगाई हर क्षेत्र में है तो इसे घूसखोरी में भी महंगाई है। हाँ, तो वो तो आपको तो हम लोग सह भी रहे हैं तभी हम लोग वोट दे रहे हैं भाजपा को, तब भी हम लोग वोट दे रहे हैं मजबूरी में, हमारी सब फसल चल जा रही है, हम लोग भुखमरी कगार पे आ गए, लेकिन तभी हम लोग राष्ट्रवाद पर भाजपा को वोट दे रहे हैं।